नाम का एक कछुआ था और उसके मुख से निकला, आज पता नहीं क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैं सुबह सुबह ही पढ़ने के लिए उठ गया था, लाख कोशिश के बावजूद मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही। लगता है रात को ठीक से सोया नहीं, लेकिन मैं तो 10 बजे सो गया था, यानी मैं 8 घंटे से अधिक सो चुका हूँ। लेकिन 8 घंटे की नींद तो काफी होती है, मुझे थोड़ी देर कुछ काम करना चाहिए, फिर पढ़ने बैठूंगा, तब मन भी बहल जाएगा। टर्बो घर में ही टहलने लगा, लेकिन जल्दी ही बोर हो गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी टर्बो बोला, क्यों ना थोड़ी देर टीवी देख लूं। वो कार्टून और फिल्म देखने लगा, लेकिन उसे पढ़ाई की भी चिंता हो रही थी। उसने कुछ ही देर बाद टीवी भी बंद कर दिया। उसने फिर से अपनी किताब खोली। टर्बो का काफी सारा होमवर्क बाकी बचा था, लेकिन पढ़ाई में मन न लगने के कारण परेशान था। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्यों ना मैं अपने किसी दोस्त की मदद लूं। इस तरह उसके मन में लीली नाम की गिलहरी, किट्टी नाम की बिल्ली, मीकू नाम का खरगोश जैसे दोस्तों के नाम आए। मैं मीकू के पास जाता हूँ, वो काफी बुद्धिमान भी है, वो मेरी जरूर मदद करेगा। ये सोचते हुए टर्बो अपनी किताब और कॉपी के साथ मीकू के पास मिलने निकल गया। तभी मीकू बोला, अरे टर्बो अच्छा हुआ तुम आ गए। मीकू ने उसका स्वागत किया, लेकिन जब उसकी नज़र टर्बो की किताबों पर पड़ी तो वो चौंक गया। तुम अपनी किताब कॉपी के साथ आए हो, कोई खास काम है क्या? हाँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यार मेरा बार बार पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मन ही नहीं लग रहा। इतना होमवर्क पड़ा हुआ है, पता नहीं मैं उसे कैसे पूरा करूँगा। टर्बो की बात सुनते ही मीकू बोला, पहले तुम आराम से बैठो, मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, उन्हें खाओ, फिर तुम्हारे होमवर्क के बारे में सोचते हैं। टर्बो ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, पराठे तो वाकई बहुत स्वादिष्ट थे, अब बताओ मैं क्या करूं, अपना होमवर्क कैसे पूरा करूं। मीकू ने उसे समझाया, तुम बेकार टेंशन ले रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें समय का सदुपयोग करना होगा। मैं बताता हूँ तुम अपना होमवर्क कैसे पूरा कर सकते हो। तुम हर सुबह 3 घंटे का समय निकालो, उन 3 घंटों को तुम लॉक कर सकते हो, तब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी टर्बो बोला, लॉक मतलब? मीकू बोला, मतलब जैसे कि हमारी अलग अलग क्लास होती है, गणित, विज्ञान, इतिहास, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गणित की क्लास में सिर्फ गणित पढ़ते हैं, विज्ञान की क्लास में सिर्फ विज्ञान, उसी तरह से इस लॉक क्लास में भी तुम सिर्फ पढ़ाई ही करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उन 3 घंटों में दूसरा कोई काम नहीं करोगे। वैसे अगर बहुत जरूरी काम हो तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पूरा जोर पढ़ाई पर ही होगा। मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं एक भी बार में सभी काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दूंगा, पहले उसे ही पूरी करने की कोशिश करूंगा। टर्बो ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारा शुक्रिया। मीकू बोला, अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।